नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महापाल और आप देख रहे हैं शपथ कथा। भरतपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने 13 जून को हुए युवक के अपहरण के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने जयपुर से युवक को डिटेन कर लिया। मामले में पुलिस ने युवक को नशे की गोली बेचने के आरोप में 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल प्रवेंद्र रावत ने बताया कि 13 जून को गुर्जर कॉलोनी के रहने वाले जयराम सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पुत्र गोपाल सोनी का 4 लोगों ने अपहरण कर लिया, जिसे छोड़ने के एवज में आरोपी पैसों की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने मचकुंड चौकी प्रभारी कृष्ण अवतार के नेतृत्व में एक टीम जयपुर भेजी, जहां युवक को डिटेन करने के बाद पुलिस को पता चला कि युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशे की हालत में पिता से 10 लाख रुपए फिरौती मांगने के लिए साजिश रची थी। युवक के नशे की हालत में होने पर पुलिस मामले की तह में पहुंची है, तो पता चला कि युवक बिना दवाई पर्चे के एक मेडिकल दुकान से नशे की गोलियां ले आया था। तलाशी के दौरान युवक के पास से बड़ी मात्रा में नशे की गोलियां मिली है, जिस पर पुलिस ने अनाधिकृत तरीके से युवक को दवाई बेचने के आरोप में मेडिकल संचालक सोमदयाल शर्मा के साथ मेडिकल की दुकान पर काम करने वाले दीपक शर्मा और नहीम खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में औषधि नियंत्रण अधिकारी अनुभव शर्मा को भी कार्यवाही के लिए बुलाया गया था। अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। सैपुर उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपुर। हमारा पता है पुलिस थाने के पास धौलपुर रोड सैपुर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपुर उपखंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं, परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बरेठा चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करते हुए 60 ट्रक को जब्त किया। पुलिस की टीम ने खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए किए गए ट्रकों को खनिज विभाग और परिवहन विभाग को सौंप दिया है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में ऑपरेशन अरावली के तहत कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अरावली के तहत गिट्टी और डस्ट से भरे ओवरलोड वाहनों को रोककर चेक किया गया। बरेठा चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर देवेश कुमार के साथ पुलिस की टीम ने अवैध खनन कर ले जा रहे ट्रकों को चेक करने के बाद अनियमितता मिलने पर कार्यवाही करने के लिए खनिज विभाग और परिवहन विभाग को सौंप दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस द्वारा अवैध बजरी खनन के साथ पत्थर और गिट्टी के खनन को लेकर भी कार्यवाही की जा रही है। एसपी के निर्देशन में की गई कार्यवाही के बाद गिट्टी और डस्ट निकाल रहे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन को लेकर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल दारा सिंह नगर दारा पैलेस के पास धौलपुर, अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9413818881 और 9464014211। शाहिद क्लब ने 3-0 से मैत्री मैच जीता। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर बालिका मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। शाहिद स्टेडियम तसीमों के मैदान पर स्टार क्लब व शहीद क्लब के बीच मैत्री मैच खेला गया, जिसकी अध्यक्षता राम अवतार सिंह परमार सरपंच प्रतिनिधि द्वारा की गई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान, कोषाध्यक्ष संदीप राणा एवं कोच असलम खान, डीएफए
एवं स्थानीय कोच बंटी परमार, भूपेंद्र परमार, आकाश गर्ग, कुलदीप परमार व अन्य मौजूद रहे। उक्त मैत्री मैच में शहीद क्लब तस्सीमों की ओर से दिव्या परमार ने 2 गोल व दामुनी परमार ने 1 गोल किया। इस अवसर पर सुखविंदर सिंह सुक्को फौजी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने हेतु प्रेरित किया। सचिव गुरमीत मान ने कहा कि धौलपुर में आने वाला समय बॉल का फुटबॉल के लिए स्वर्णिम समय के रूप में जाना जाएगा। धीरे धीरे धौलपुर में खेलों के बेहतरीन वातावरण तैयार हो रहा है और खेल में फुटबॉल प्रेमियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो फुटबॉल के लिए अच्छे संकेत है। शहीद क्लब द्वारा 3-0 से मैत्री मैच में जीत हासिल की। बालिकाओं के मैच को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों की बड़ी तादाद में संख्या उपस्थित रही, जिन्होंने बेटियों के खेल की भरपूर सराहना की। कक्षा 10वीं 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय गिरिराज विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराने बिजली घर के सामने धामतीपुरा धौलपुर। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की नई पहल, कक्षा 10वीं के 90% से अधिक किसी भी सरकारी व निजी स्कूल के छात्र छात्राओं को 11वीं 12वीं की शिक्षा निःशुल्क एवं 11,000 रुपए की दोनों वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे विद्यालय की कक्षा 12वीं के होनहार विद्यार्थी अलका कुमारी 93%, मोनू कुमार मीणा 92%, महरीन फातिमा 91%, ओकेश 90%, कक्षा 10वीं में कृष्णकांत 93%, नकुल मीणा 91%, नमन सिंगल ने 90% अंक प्राप्त किए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब और वाटर जनरेटर और इन्वर्टर और बस की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9560879440, दूसरा 9549831768। जलदाय विभाग की लापरवाही, हजारों लीटर व्यर्थ बह रहा पानी, लोग बोले नलों में आता नहीं, यहां रोकने वाला कोई नहीं। बसेड़ी कस्बे में पिछले कई दिनों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इस पर बह रहे पानी को रोकने के लिए जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहे। रोजाना सुबह यहां पर यह पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसे आसपास के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अग्रवाल धर्मशाला के सामने और जियो सेंटर के पास मुख्य मार्ग पर जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण से पिछले कई दिनों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। कस्बेवासियों का कहना है कि पानी की लाइन जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, जो आए दिन कहीं ना कहीं लीकेज होती रहती है, जिसकी वजह से सड़क पर पानी बहने लगता है और घरों तक यह पानी नहीं पहुंच पाता। जलदाय विभाग के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और इस पाइपलाइन को सही नहीं किया गया। इधर लोगों का कहना है कि नलों में पानी आता नहीं है और पाइपलाइन में पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलम्ब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी, मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028068 और 8058100462। कोलारी ने जारोली की टीम को 45 रन से हरा कर ट्रॉफी की अपने नाम। सैपो कस्बा क्षेत्र के जालोरी गांव में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कोलारी की टीम ने जरोली की टीम को 45 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की, जिसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए रखा गया। फाइनल मैच के साथ प्रतियोगिता का समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति सैपो के उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल मौजूद रहे। अध्यक्षता समाजसेवी तीवकम सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि पंचायत
समिति सदस्य मोहन सिंह मौजूद रहे। मैच में निर्णय कोलारी टीम और कमेटी के बीच हुआ। टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए कोलारी टीम ने 8 विकेट खोकर निर्धारित 15 ओवर में 146 रन बनाए। जवाब में जरोली टीम 100 रन के स्कोर पर सिमट गई। कोलारी टीम ने यह मैच 45 रन से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच जनक सिंह रहे। इस मौके पर टीकम सिंह, भूदेव ताहिर खान, यूथ फॉर नेशन अध्यक्ष कुमार सेन, सीताराम, सचिन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागपुर का सरफेस शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर, यहां है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। संस्कृत शिक्षा विभाग में 2017 के बाद अब तक नहीं हुआ पदों का समानीकरण। संस्कृत शिक्षा विभागीय विद्यालयों की स्थिति गंभीर एवं चिंतनीय विषय। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ द्वारा भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण बसेड़ी में संस्कृत शिक्षा विभाग की तमाम समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की प्रमुख मांगों के साथ प्रदेश भर के संस्कृत विद्यालयों में नामांकन के अनुसार पदों का समानीकरण करवाने, अधिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग द्वारा रिक्त पदों पर पद स्थापित करने, क्रमोन्नत एवं अन्य विद्यालयों में नियमानुसार पद आवंटित करने एवं रिक्त पदों की शत प्रतिशत पूर्ति समानीकरण, पदोन्नति की पात्रता सूची जारी करने एवं नई शिक्षक भर्ती से पदों को भरने संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज राजावत, संभागीय अध्यक्ष राजू परवार, जिला महामंत्री रामलखन सिंह, जिला कोषाध्यक्ष ओमकार तिवारी, शिवचरण कुशवाहा, रामगोपाल प्रजापति, अर्जुन सिंह, दीपक कुमार आदि संगठन के सदस्य शामिल रहे। शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ के द्वारा बसेड़ी महादेव भूतेश्वर प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। हमारे विभाग में तमाम पद शिक्षकों के खाली हैं, इस पर नई शिक्षक भर्ती की जाए। इस संबंध में हम सब ने एडीएम साहब के द्वारा ज्ञापन देने का निर्णय किया है। जो भी हमारे विभाग की समस्याएं हैं उनको सरकार के द्वारा पूरा करने की हम आशा करते हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक तिवारी मऊ के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की तथा विभाग में हुई बड़े स्तर पर पदोन्नति की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। जिले की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जिले में पूर्ववत महाविद्यालय की मांग तथा नवीन विद्यालय खोलने की मांग पर विचार विमर्श किया गया और इसके संबंध में आदरणीय एसडीएम साहब बसेड़ी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-14-58-37-70, निर्देशक इंदर सिंह पवार, मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। शॉर्ट सर्किट से छप्पर पोस्ट में लगी आग, हजारों का हुआ नुकसान। सर्वधौप खंड के अंतर्गत गड़ाखो गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक छप्पर पोस्ट मकान में आग लग जाने से उसमें रखा तूड़ा अनाज सहित गृहस्थी का अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस संदर्भ में पीड़ित भवरलाल एवं नरेश मीणा ने बताया कि उनके छप्पर पोस्ट मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाने से उनका हजारों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं घटना की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर नगर पालिका सरमथरा की फायर ब्रिगेड मशीन मौके पर पहुंची और फायर कर्मी सुरेश मीणा एवं हरिकेश मीणा ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
सरमथरा उपखंड के पिपरेट गांव में उपभोक्ता ने राशन डीलर पर लगाए गंभीर आरोप। उपभोक्ताओं का आरोप, राशन डीलर ने केवाईसी करने की मांग रहा है पैसे, बिना पैसों के राशन डीलर ने नहीं की केवाईसी। सरमथरा उपखंड के पिपरेट गांव में सोमवार को उपभोक्ता ने राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उपभोक्ता पिपरेट गांव निवासी दिनेश परमार का आरोप है कि जब वह अपने परिवार सहित राशन डीलर पर केवाईसी कराने गया तो डीलर द्वारा केवाईसी करने के एवज में पैसों की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर राशन डीलर ने उपभोक्ता को बिना केवाईसी के ही वापस लौटा दिया और अभद्रता करने लगा। सरकार द्वारा राशन डीलरों को निःशुल्क केवाईसी करने के आदेश दिए गए जिससे उपभोक्ता की सही पहचान हो सके और फर्जी राशन लेने वालों पर लगाम कसी जा सके, लेकिन इन सबके विपरीत सरमथरा उपखंड में राशन डीलर सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ता ने प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से राशन डीलर पर कार्यवाही न करने की मांग की है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत के डीलर सुनहरी गाँव के और केवाईसी कराने के लिए मैं गया था बच्चों को लेके, तो मेरे से बोला कि आप जागीर नहीं लगा रहे हो और अभद्रता से बोल रहा है और केवाईसी करने के पैसे मांग रहा है, मुझे पैसे दो, आपके बाप का नौकर नहीं लगाऊं। मैं प्रार्थी दिनेश सिंह परमार पिपरेट ग्राम का डीलर है सुनहरी। केशवी फाउंडेशन द्वारा संचालित 60 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण शिविर के 16वां दिन सभी प्रशिक्षणार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे नरेंद्र कुमार जैन, पूर्व उप निरीक्षक व्यावसायिक शिक्षा विभाग राजस्थान। आपने केशवी फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम की सराहना की और दशहरे के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए बालिकाओं से बातचीत की और सर्वप्रथम इस बात की समीक्षा की कि वास्तव में उनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है या नहीं। इसके दौरान बालिकाओं ने उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शालीनता के साथ उत्तर दिया। इसके बाद आपने व्यावसायिक प्रशिक्षण का महत्व बताते हुए इस एक विद्यार्थी किस प्रकार कौशल का उपयोग कर स्वयं के जीवन को सफल बना सकता है। इस समस्त कार्यक्रम के दौरान केशवी फाउंडेशन के सदस्यों के साथ साथ 76 बालिकाएं मौजूद रहीं। अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा गिरी कार, 3 घायल। सरमथरा उपखंड में नेशनल हाईवे संख्या 11 बी पर सोमवार को भावापुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर झाड़ियों में गिर गई। हादसे में कार सवार करीब 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई एवं घायलों को एम्बुलेंस हाईवे से उपचार के लिए सरमथरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कार सवार सभी घायल आगरा उत्तर प्रदेश के निवासी है जो कि केला देवी माता मंदिर से दर्शन करके आगरा के लिए वापस लौट रहे थे। घायलों में नीता पत्नी मुरारी लाल, मिथिलेश पत्नी राकेश और राकेश पुत्र मुरारी लाल निवासी आगरा शामिल है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में भूमि फाउंडेशन द्वारा श्रमदान कर दिया गया स्वच्छता का संदेश। राजाखेड़ा में भूमि फाउंडेशन लेटर पीके के द्वारा श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन और अधिशासी अधिकारी टिकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में आज टीम भूमि फाउंडेशन ने आदर्श कॉलोनी डॉक्टर कॉलोनी में रहने वाले व्यक्तियों के सहयोग से स्वच्छता श्रमदान किया एवं लिप्टर पिकिंग के माध्यम से कचरा इकट्ठा किया एवं टीम के प्रोजेक्ट इंचार्ज गोपाल नागर ने सभी निवासियों से अपील की है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अपने शहर राजाखेड़ा को स्वच्छता में नंबर वन बनाने में सभी का सहयोग करना है। स्वच्छता श्रमदान के अवसर पर टीम भूमि फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर राम अवतार सिंह, सिद्धीर सिंह राजपूत, विजय सिंह उर्फ बॉबी, शिवम शाहू, अनिल प्रदीप, सुमित आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। पांच माह की तपस्या पूर्ण होने पर विशाल भंडारे का आयोजन। नरसेवा ही नारायण सेवा प्रभु जी श्री श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर पर्यटन स्थल शेरगढ़ किला धौलपुर में प्रभु जी के सानिध्य में 45 डिग्री के तापमान में तप कर रहे संत पंडित राम प्रकाश शास्त्री की 5 महीने की तपस्या आज गंगा दशहरा पर्व को पूर्ण होने पर मंदिर महंत श्री श्री 1008 द्वारिका दास जी महाराज प्रभु जी के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें खीर पूड़ी,
पुआ सब्जी रायता आदि प्रसाद भक्तों में बड़े ही प्रेम से ग्रहण की। इस मौके पर मंदिर सचिव कान्हा भगवान, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, समाज सेवी बद्री प्रसाद शर्मा, समाज सेवी ईश्वर प्रसाद शर्मा, फक्कड़ बाबा, सोनू पंडित जी, पंडित नंदकिशोर शास्त्री, अजित उपाध्याय, विक्की बाबा, वृंदावन बिहारी दास महेश शर्मा, नवल दास सुबेदार, विजय पंडित जी आदि ईश्वर प्रेमी और भक्तगण भंडारे में सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सोलह जून 2024 को परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर शहर में निकली। इसी कार्यक्रम के दौरान पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा परशुराम शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में पधारे ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित जन कार्यक्रम संयोजक प्रमोद शर्मा, महंत हनुमान दास, मुकेश शर्मा, प्रशांत हुंडावाल, अनुराग मुद्गल, अमित मुद्गल, लब्बो शर्मा, हरिनिवास शर्मा, नंदकिशोर शुक्ला, रामकिशोर शर्मा आदि लोगों का माला साफा पहनाकर और फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। इसी दौरान परशुराम शोभा यात्रा आयोजन कमेटी द्वारा पीताम्बरा भक्त मंडल के सभी सदस्यों को भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर शुभ आशीर्वाद दिया। शोभा यात्रा में पधारे सभी आमजनों को ठंडा पेय पदार्थ पिलाकर और आइसक्रीम वितरण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीताम्बरा भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, अश्वनी श्रीवास्तव, राम कुमार दुबे, कमलजीत सिंह, दयाकांत सक्सेना, गिरिराज शर्मा, मुकेश सक्सेना, रवि शिवहरे, बाबू बंसल, लोकेंद्र सिंह, केदार सिंह, एडवोकेट राज बहादुर सिंह सिसोदिया, दीपक उपाध्याय, कमल पहाड़िया, राजेश पाठक, ब्रजेश मुखरिया, डॉक्टर विनोद, प्रहलाद महावर, बंटू शर्मा, मोहित अग्रवाल, मनन अग्रवाल, राम त्रिवेदी, विशाल सक्सेना आदि लोग मौजूद थे। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभाव हर ब्रेकिंग न्यूज के लिए। धन्यवाद।